Hello everyone, I am Patil Rohini from Universal Public School, Aurang, Shahjani. Our subject is English. English, date is 31-7-20. Our subject is English. English, we are going to learn cursive capital letters. Cursive capital letters, we will learn A, B, C, D, E and F. How many letters have we learned? यफ तक सीखे, उसके आगे का हम आज सीखेंगे। अभी हमें सीखना है कर्सिव कैपिटल लेटर्स। कर्सिव कैपिटल लेटर्स में हमने क्या क्या लिखे थे, ए बी सी डी E, F, है ना। तो हम F तक सीखे थे, अभी उसके आगे का सीखना है हमें उसके आगे का सीखना है अभी हमें A, B, C, D, E, F। अभी हमें सीखना है G for gifts। आपको G for gifts 1, 2, 3, 4 लाइन में लिखना है। ये आपके थ्री लाइन में लेटर्स आते थे, 1, 2, 3 लाइन में। अभी ये G for gifts आपको 4 लाइन में लिखना है। तो देखो 4 लाइन में कैसे लिखना है। फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन से आपको स्टार्ट करना है। सेकेंड लाइन से थोड़ा सा आप सर्कल लेफ्ट लेफ्ट क्या देना आपको स्टैंडिंग लाइन। फिर यहां से आपको थोड़ा सर्कल करना है। देखो मैंने कैसे किया है, ये वो आपका लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन। फिर यहां से आपको इसे सर्कल करना है। आया समझ में। फिर देखो अभी यहां से थर्ड लाइन तक आपको ऐसे ही आना है स्टैंडिंग लाइन की तरह। सेकेंड लाइन तक आपको थर्ड लाइन तक आना है, उसके बाद यू करना है ऐसे स्टैंडिंग लाइन। लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन, ये देखो लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन सर्कल। आपको फिर हाफ सर्कल करना है स्टैंडिंग लाइन लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन। अभी एक बार देखो लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन सर्कल, बाद में यू की तरह आपको यू करना है ऐसे स्टैंडिंग लाइन, फिर लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन। ये क्या हुआ आपका जी फॉर गिफ्ट्स, क्या हुआ जी फॉर गिफ्ट। अभी आपको निकालना है एच फॉर हेलीकॉप्टर। वन टू थ्री लाइन में आपको स्टैंडिंग लाइन देना है, 1, 2, 3 लाइन को और एक स्टैंडिंग लाइन देना है। फिर इस लाइन की तरफ से राइट लाइन की तरफ से लेफ्ट लाइन तक ओवल की तरह निकालना है एंड सेकेंड लाइन को आपको ज्वाइन करना है उसको स्टैंडिंग लाइन ओवल निकालना है एंड सेकेंड लाइन को आपको उसको ज्वाइन करना है स्टैंडिंग लाइन ओवल निकालकर सेकेंड लाइन को आपको ज्वाइन करना है। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ये हुआ हमारा कर्सिव कैपिटल लेटर्स। कितने लेटर्स हुए, 8 लेटर्स कंप्लीट हुए। ए बी सी डी ई एफ जी एच। आया आपको जी फॉर गिफ्ट्स कैसे निकालना है,
ओके यच, ये हुआ आपका एच। अंडरस्टैंड, ये हुआ हमारा एच, छोटा सा क्रॉस लाइन दो ऐसे, स्टैंडिंग लाइन दो कर थोड़ा सा ऐसे क्रॉस लाइन दो एंड सेकेंड लाइन को यहाँ पे ज्वाइन करना है। ये हुआ हमारा कर्सिव कैपिटल लेटर्स, कर्सिव कैपिटल लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच। अभी हम इसके आगे के, इसके आगे का थ्री लेटर वर्ड्स देखेंगे। अभी अभी हम देखेंगे थ्री लेटर वर्ड ए डी एड। अभी हमने क्या क्या देखे थे, ब एट बैट, क एट कैट, म एट मैट, फ एट फैट, ह एट हैट, र एट रैट, स एट सैट। ए हुए ए के थ्री लेटर्स वर्ड्स। अभी ए एन एन के थ्री लेटर्स वर्ड्स हमने कौन से किए थे, ब एन बैन, क एन कैन, म एन मैन, फ एन फैन, प एन पैन, र एन ड्रम, वी व एन पैन, ट एन टैन। अभी हम देखेंगे ए डी एड से लेकर थ्री लेटर वर्ड्स। ए देखो, अभी थ्री लेटर वर्ड्स आपको फोर लाइन के नोटबुक के ऊपर लिखना है, नीचे आपका नेम लिख, ऊपर नेम लिखना है, नीचे थ्री लेटर वर्ड्स लिखना है। ए डी एड से लेकर अभी थ्री लेटर वर्ड्स हमें सीखना है। बी ए डी, बी को हम क्या पढ़ते हैं, ब, ए को ए, डी को ड, तो ये क्या हुआ बैड, ब एड बैड। डी ए डी, डी को हम क्या पढ़ते हैं, ड, ए को ए, डी को ड, तो ये क्या हुआ डैड। एफ ए डी, एफ को हम क्या पढ़ते हैं, फ, ए को ए, डी को ड, तो ये क्या हुआ फैट। एच ए डी, एच को हम क्या पढ़ते हैं, ह, ए को ए, डी को ड, तो ये क्या हुआ है। एम ए डी, क्या हुआ एम को हम क्या पढ़ते हैं, म ए ड मैड। पी ए डी, पी को हम क्या पढ़ते हैं, प, ए को ए, डी को ड, तो ये क्या हुआ पैड। एल ए डी, एल को हम क्या पढ़ते हैं, ल, ए को ए, डी को ड, एल को हम क्या पढ़ते हैं, ल आई लाइट। एस ए डी, एस को हम क्या पढ़ते हैं, स
ए को आ, डी को ड, तो ये क्या हुआ सेट। इसको अभी हम वन टाइम रीड करेंगे। देखो ब एड बैड, ड एड डैड, फ एड फैड, ह एड हैड, म एड मैड, प एड पैड, यल लो को, यल को क्या पढ़ते हैं, यल को क्या पढ़ते हैं हम, ल एड लैड, एस को क्या पढ़ते हैं हम, स एड सेट। ये हुआ हमारे एट लेटर्स थ्री लेटर वर्ड्स कंप्लीट। ए डी एड से लेकर एट लेटर्स हमने थ्री लेटर्स में रेडी किया है। बैड डैड फैड हैड मैड पैड लैड एंड सैड। ये हुआ हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट। अब आपने नेम्स ऊपर लिखना है, उसके नीचे ये स्पेलिंग थ्री लेटर स्पेलिंग लिखना है। अभी देखो हमारा सब्जेक्ट है मैथ। मैथ सब्जेक्ट में अभी देखो आपको क्या लिखना है। हमारा सब्जेक्ट है अभी मैथ। मैथ सब्जेक्ट में हमें 1 to 35 तक स्पेलिंग हमारा कंप्लीट हुआ है। अभी हमें देखना है 36 to 40। स्पेलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका रीडिंग करेंगे। और यानी आपको उसका रीडिंग हर नंबर्स का स्पेलिंग आपको बाइट होना चाहिए और आपको भी उसका स्पेलिंग आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो उसका रीडिंग करेंगे। ओ एन ई 1 TW 2 THR EE 3 FOUR 4 FIV 5 SIX 6 SEVN 7 EIGST 8 NINE 9 TEN 10 ELEVEN 11 TWELBE 12 THIRTWN 13 FOURTWN 14 FIFTWN 15 SIXTWN 16 SEVENTWN 17 EIGHTWN 18 NINETWN 19 TWENTY 20 TWENTY 20 TWENTY 20 TWENTY 20 THIRTY 20 THIRTY 31 THIRTY 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 THI
36 thirty, 37 38 T H I R
TY 30 EIGHT 8 38 39 TH IR TY 30 40 F O R T Y. क्या हुआ इसका 40 का स्पेलिंग क्या है? F O R T Y 40. इसको हम वन टाइम रीड करेंगे. 36 THIRTY 30 SIX 6 36 37 THIRTY 30 SEBN 7 37 38 THIRTY 30 EIGHT 8 38 39 THIRTY 30 NINA 9 39 40 F O R T Y 40. ये हुआ हमारा 36 to 40 स्पेलिंग. अभी उसके आगे देखो. अभी उसके आगे आपको लिखना है टेबल. हमारा टेबल्स 2 and 3 हो गया है. अभी आपको लिखना है 4. हमारा टेबल्स 2 and 3 कंप्लीट हुआ है. अभी आपको लिखना है 4 ones are 4. Four twos are 8. Four threes are 12. Four fours are 16. Four fives are 20. Four sixes are 24. Four sevens are 28. Four eights are 32. Four nines are 36. Four tens are 40. हमारा 2 and 3 का टेबल्स कंप्लीट हुआ है. अभी आपको लिखना है 4 ones are 4 का टेबल्स. 4 ones are 4 टेबल्स आपको बाहेट करना है एंड 36 to 40 स्पेलिंग आपको बाहेट करना है. 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20, 4 sixes are 24, 4 sevens are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40. आपको 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40. है ना? तो आपको ये टेबल्स कितने टाइम लिखना है? 2 टाइम लिखना है. ये टेबल्स आपको 2 टाइम लिखना है एंड अच्छे से हैंड राइटिंग में लिखना है. 36 to 40 स्पेलिंग एंड टेबल्स
टू का थ्री का हुआ है, अभी फोर वन जाएगा फोर टेबल्स का, आपको कितने टाइम लिखना है, टू टाइम लिखना है। ये हमारा पेज नंबर 14 कंप्लीट हुआ है। तो सभी जन ओपन योर मैथमेटिक्स पेज नंबर 15, ओपन योर पेज नंबर 15, सभी जन अपना अपना बुक ओपन करना है, पेज नंबर है 15। सभी जन अपना अपना फोर पेज नंबर 15 ओपन करना है। एंड यहाँ पे लिखा है देखो, काउंट एंड राइट द नंबर इन द बॉक्सेस, टिक द नंबर दैट इज मोर। तो देखो यहाँ पे कितने सेटर है, देखो अभी हमें क्या करना है, जहां पे ज्यादा बॉक्स ज्यादा स्वेटर है या सॉक्स है वहां पे आपको टिक करना है। अब ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप काउंट करो स्वेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे सॉक्स कितने हैं, 1 2। तो ज्यादा किसके पास है, स्वेटर ज्यादा है कि सॉक्स ज्यादा है, ये आपको देखना है। एंड स्वेटर 1 2 3 4 5 6, स्वेटर ज्यादा है तो इस लाइन को आपको इस बॉक्स में आपको ऐसे टिक करना है, ये बॉक्स है इस उसके बीच में आपको राइट करना है, टिक करना है उस बॉक्स को बॉक्स में आपको। एंड सभी जन अपने बॉक्स पेज नंबर 15 ओपन करना है एंड उस बॉक्स को आपको टिक करना है। एंड अभी नीचे देखो यहाँ पे सिंबल दिया है, राइट सिंबल इन द बॉक्सेस गिवन बिलो एंड रीड देन अलाउड 22 एंड 14 इज ग्रेटर देन 14। ये भी देखो यहाँ पे 14 बड़ा है क्या 22 बड़ा है, ये देखो बिग मीन्स बड़ा एंड स्मॉल मीन्स छोटा, ये आपको पहले देखना है। फॉर एग्जाम्पल ए बॉल बड़ा है कि ए बॉल बड़ा है आपको देखना है, अगर ए बॉल बड़ा है ए बॉल बड़ा है ना तो इसकी तरफ आपको ये सिंबल देना है। फॉर एग्जाम्पल 1 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 1 1 11 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 11 नंबर के पास बॉल ज्यादा होंगे कि 3 नंबर के पास बॉल ज्यादा है, तो 11 नंबर के पास बॉल ज्यादा है तो इसकी तरफ को आपको ये सिंबल करना है। देखो यहाँ पे सिंबल भी दिया है, उसके नीचे नंबर्स है वो देखो, एट एंड 3। ये देखो ये बुक्स के ऊपर आप पेज नंबर 15 ओपन करना है सभी को। एंड देखो सभी जन, देखो सभी जन 8 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो 8 बड़ा है तो 8 की तरफ को आपको उस सिंबल का फेस करना है, ए सिंबल आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट वर्ड्स है, नेक्स्ट नंबर है 17 एंड 9, 17 एंड 9, 17 बड़ा है क्या 9 बड़ा है, 17 बड़ा है तो इसको आपको क्या करना है सिंबल देना है। ये 23 0, तो आपको कहां पे सिंबल देना है, 23 बड़े है क्या 0 बड़ा है, 23, तो 23 की तरफ को आपको ये सिंबल देना है। 42 31, 42 बड़ा है नंबर्स के 31 ऑफ कोर्स 42, तो 42 की तरफ आपको ये सिंबल देना है। नेक्स्ट देखो 12 एंड 6, 12 एंड
बड़ा है, ग्रेटर नंबर, तो 12 बड़ा है तो 12 की तरफ को आपको ये सिंबल देना है। नेक्स्ट नंबर 3 1 31 1 3 13, तो कौन सा बड़ा नंबर है 3 1 31, 19 11 19 11, 19 बड़ा है कि 11 बड़ा है, 19, तो आपको ये सिंबल देना है। 26 18, 26 बड़ा है कि 18 बड़ा है, 26, आपको ये सिंबल देना है। 30 20 30, बड़ा है कि 20 बड़ा है, 30 बड़ा है तो 30 की तरफ आपको ये सिंबल देना है। 28 and 16 16 16, 28 बड़ा है क्या, 16 बड़ा है, 28, तो 28 की तरफ आपको ये सिंबल देना है। नेक्स्ट नंबर देखो 10 and 2, तो 10 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 10 की तरफ ही आपको ये सिंबल देना है। नेक्स्ट देखो 15 14 15, बड़ा है कि 14 बड़ा है, ये देखो पेज के ऊपर नंबर्स दिए हैं आपको, 13 20 28 16 10 2, ये पूरे नंबर्स देखो आपको उसी की तरह आपको ये लिखना है और अच्छे से सिंबल, ये देखो बुक्स के ऊपर हमारा बुक्स ऐसा है तो उस बुक्स के बीच में आपको नंबर दिए हैं। 15 बड़ा है तो 15 की तरफ आपको ये ऐसा सिंबल देना है। नेक्स्ट नंबर है 29 and 19, 29 बड़ा है तो 29 की तरफ को आपको ये सिंबल देना है। 1 6 16 1, तो 16 बड़ा है तो 16 की तरफ आपको ये सिंबल देना है। 2 9 29 1 8 18, तो 2 9 29 बड़ा है तो उसकी तरफ आपको ये सिंबल देना है। 25 and 15, 25 बड़ा है क्या, 15 बड़ा है, 25, ये हुआ हमारा नंबर्स। पेज नंबर 15 के ऊपर है, देखो ये पेज नंबर 15 के ऊपर है। 8 बड़ा है क्या, 3 बड़ा है, ये देखो मैंने यहाँ पे आपको दिया है जो बड़ा नंबर है उसकी तरफ को आपको उसका फेस करना है, वो सिंबल आपको इस बॉक्स में देना है। 8 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 8, 17 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 17, 23 बड़ा है कि 0, 23, 42 बड़ा है क्या, 31, 42, 12 बड़ा है कि 6, 12, 31 बड़ा है क्या, 13, 31, 19 बड़ा है क्या, 11, 19, 26 बड़ा है क्या, 18, 26, 30 बड़ा है क्या, 20, 30, 28 बड़ा है क्या, 16, 28, 10 बड़ा है कि 2, 10, 15 बड़ा है क्या, 14, 15, 29 बड़ा है क्या, 19, 29, 16 बड़ा है क्या, 1 बड़ा है, 16, 29 बड़ा है कि 18, 29, 25 बड़ा है क्या, 15 बड़ा है, तो ये 25। तो आपको एक पेज नंबर 15 कंप्लीट करना है, पेज के ऊपर आपका नेम लिखना है एंड मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भेजना है। आपको ये पेज नंबर 15 कंप्लीट करना है, ऊपर अपना पेन से नेम लिखना है एंड मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भेजना है। ओके, थैंक यू।